पहले बकरे की कुर्बानी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये होगी। अभी हम इसको हैंग करते हैं और उसके बाद वो हमारा दूसरा बकरा बैठा है उसकी कुर्बानी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज दो बड़े जानवर भी कर दिए। पहले हमने सोचा था एक जानवर करेंगे, लेकिन अब दूसरा जानवर भी हमने सिबा कर दिया क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था आज के लिए। और क्योंकि हमारा ये देखें पहला जानवर तकरीबन करीब करीब पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ताफ ट्रैवल व्लॉग। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कुर्बानी का दिन। आज समझो चांद रात तो खैर नहीं है, लेकिन कल ईद है तो हम इसको चांद रात ही काउंट करेंगे। तो अभी अभी हम कुर्बानी के लिए लेके आए हैं बकरा। ये देखो ये कुर्बानी के लिए आ गया बकरा हमारा एक, और एक अभी बकरा ले रहे हैं हम, और दो हमारे हैं बैल, वो हमारे अपने हैं, हमारे फार्म हाउस के हैं। तो ये हमारी कुर्बानी होगी इंशाल्लाह। तो ये देखो ये बड़ा ही फ्रैंकली बकरा है, मारने शारने वाला नहीं है और चिल है। ये देखो इसके साथ हम मारने वाले लेते इसके हैं। साथ हम सेल्फी लेते हैं अभी। आ जाओ भाई सेल्फी ले। ये क्या ऐसे ऊपर ऊपर मुझे आती है बकरों की आवाज निकालनी। ये तो ये रहा हमारा बकरा। भाई मुझे भी तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ मोहम्मद अयान को। अभी व्लॉगिंग जो आगे स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अयान। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर ये हमारा व्लॉग दोबारा से शुरू हो चुका है और ये मेरे भाई अल्ताफ बकरे को खिला रहे हैं चारा। और ये देखें माशाल्लाह बकरा कितना प्यारा है। ये बकरा मैंने आपको बताया था कि हार्म नहीं करता, तो ये बहुत अच्छा बकरा है। ये पानी भी इसका रखा हुआ है। ये बकरा ना सींग मारता है, और ये दुम्बा है, बहुत अच्छा बकरा है। ये वफादार भी है। और इसके दांत हमने अभी देखे हैं, तो ये देखे इसकी सींग और दांत जो इसके हैं, ये दांत इसके जिसके जो है वो दांत उनमें से एक इसका मोटा और दांत निकला है जिसके नीचे पता नहीं लाल लाल से कोई रेत सा निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बकरा है प्यारा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं आपको बस दिखा रहा था अभी, बाकी का व्लॉग बाद में आपको बताऊंगा मैं। हेलो गाइस, अभी आज हम आ गए दोबारा से व्लॉग को जारी रखने। ये जो मेरा बकरा था, इस बकरे को अब हम ज़िबा करने वाले हैं, मेरा प्यारे बकरे को। और ये ज़िबा होगा, ये कि हमने सारा काम, ये रस्सी लगा दी, सारा काम कर लिया है। अब ये इसको पकड़ा हुआ है, इसको अब ज़िबा करने जा रहे हैं। हमारा बकरा है, इस बकरे ये मारता भी नहीं है, आपको तो पता ही है। नाग का बकरा है। ये हमारा ये बकरा अब ज़िबा होगा। वहाँ पर मेरे कज़िन का भी बकरा है, वो भी अभी हम लोग ज़िबा करते हैं। बकरा ज़िबा हो चुका है माशाल्लाह, देख ये कितना खून निकल रहा है। आपने देखा जैसे कि छोटे बच्चे ने दिखाया कि हमने ये हमारे पहले बकरे की कुर्बानी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये होगी। अभी हम इसको हैंग करते हैं और उसके बाद वो हमारा दूसरा बकरा बैठा है उसकी कुर्बानी करेंगे, और फिर हम सीधा निकल जाएंगे गांव की तरफ, और गांव में जा के हमने अपने वैडे की कुर्बानी करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएं। और हाँ, एक बकरा हमने कल करना है और एक वैडा भी कल करना है, इसलिए आज के दिन में तीन कुर्बानी होगी, दो बकरे और एक वैडे की। तो सो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे, अपना डेरा भी दिखाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ईद मुबारक साहब आइए इधर। और अभी हम अपने मांस का बकरा करने लगे हैं, वो देखो ये मांस का बकरा बैठा। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, आप अल्लाह के राह के लिए जा रहे हो। तो ये बकरा उठ गया, अब इसको पानी शानी पिलाओ, इन पानी शानी पिलाने हैं, दोबारा बखा लो ना अजीबा। तो पहले पानी शानी दिखाते हैं, और मांस के कमेंट्स क्या हैं बताएं, बताओ क्या? कुछ कमेंट्स बताओ, आप कुर्बानी हो रही है आप? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, क्या पता है? आर यू एक्साइटेड? यस। हाउ मच? वेरी वेरी मच। ओके, तो आप ज़िबा करने वाले हो? नो,
छुरी तो रखोगे ना? हाँ। बस ठीक है, तो अभी हमारा बकरा आ रहा है, इसको हम पानी पिलाते हैं और उसके बाद छुरी रखते हैं और मास के बाबा इसको ज़िबा करेंगे और मास सिर्फ छुरी रखेगा। बैल है जिसकी हमने कुर्बानी करनी है वो इधर, अभी हम इसकी कुर्बान करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो देखें जनाब हमारा दूसरा जानवर रेडी हो गया है, उसको हम लेके आ गए हैं ये चेक करें, और हम आज ही इसकी कुर्बानी कर रहे हैं। पहले हमने सोचा था इसकी कुर्बानी कल करेंगे, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि आज ही करते हैं और बस अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे। तो इसको भी लेके जा रहे हैं, तो इसको भी अभी कुर्बान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज दो बड़े जानवर भी कर दिए। पहले हमने सोचा था एक जानवर करेंगे, लेकिन अब दूसरा जानवर भी हमने ज़िबा कर दिया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था आज के लिए। और क्योंकि हमारा ये देखें पहला जानवर तकरीबन करीब करीब पहुंच गया है, और इसके बाद बस एक जानवर हमारा रहता है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा शाम से पहले तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह एक बकरा हमारा रह जाएगा, वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल मॉर्निंग में। तो बाकी आज की कुर्बानी हमारे लिए डन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन। तो अभी बैठा डेरे पे पानी शानी पी के, दोनों जानवर ज़िबा मैंने किए, बल्कि तीन जानवर मैंने ज़िबा किए हैं, दो बड़े जानवर और एक जो बकरा। कल इंशाल्लाह बकरा जो है वो मेरे छोटे भाई का है अब्दुल्ला का, तो वो भी मैंने ज़िबा करना है। तो ये थी आज की अपडेट, तो अभी मैं आपको एक और वीडियो बनाऊँगा या शायद इसी वीडियो में आपको अपने डेरे की सैर भी करवाऊँगा।